वो आप जरा देखिएगा, कोई आपको पाठ लिखा होगा सर्टिफिकेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 7 के साथ हाजिर हैं आपके सर मोहम्मद असलम। लेक्चर नंबर 7 में हम एक्सरसाइज 2.2 हल करेंगे, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे स्कूल के चैनल AMSI स्कूल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाला नया लेक्चर आपको वक्त पर मिल सके। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। तो लेक्चर में हम, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि हम सबसे पहले एक्सरसाइज 2.2 हल करेंगे, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। नीचे दिए गए रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स, यानी जमी मकूस और ज़रबी मकूस फाइंड आउट करें, यानी मालूम करें। पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, और इसके साथ साथ मैंने आपको रैशनल नंबर की डिवीजन, रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन, रैशनल नंबर की एडिशन और रैशनल नंबर की सब्ट्रैक्शंस भी समझाए थे, यानी कि नातक अदाद को किस तरह जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम भी किया जाता है। बिल्कुल जिस तरह मैंने पीछे आपको एग्जाम्पल बुक से देख के समझाई थी, इसी तरह ही इस मशक में हम वैसे सवाल हल करेंगे। तो जिस तरह आपको मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स किस तरह हल किया जाता है, किस तरह समझा जाता है, किस तरह किया जाता है, तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 जो है -7, इसका हम एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि मैं आपको पहले भी मिसालों के ज़रिए समझा चुका हूँ। देखिए, अगर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा -7 एडिटिव इनवर्स, जैसे आपको बताया गया कि एडिटिव इनवर्स में सिर्फ और सिर्फ रकम की अलामत चेंज की जाती है, जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रकम को उल्ट कर दिया जाता है। मल्टीप्लाई का उल्ट होता है तकसीम, तो रकम को उल्ट कर दिया जाता है, उसका जो मखरज होता है, यानी जो डिनोमिनेटर होता है वो नोमिनेटर, और जो नोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देखिए ज़रा, एडिटिव इनवर्स में हमने इसको -7 था, तो इसको हमने +7 में कन्वर्ट कर दिया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये -7 था, जिसका बटा कोई नहीं, उसके बटा 1 होता है, तो हमने इसको कन्वर्ट किया, तो 1/7 माइनस की लामत वैसे ही आपके सामने है। इस तरह हम इसको हर रकम का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है, उसका ऑप्शन नंबर 1 है। देखिए ज़रा, मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स इसका होता है -1, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका होता है 1/1, जिसका 1/1, जिसका बटा कोई नहीं, जिसका बटा 1 होता है, तो इसलिए हम 1 ही इसको शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये नीचे दिए गए नातिक अदाद को हल करें, यानी इसको मुख्तसर करना है। बिल्कुल वही बात जो आप पिछले क्लास में सीख चुके हैं, कि बटे वाले रकमों को जो प्लस हो रही है प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, ज़रब कैसे करते हैं, तकसीम कैसे करते हैं। तो चलते हैं, मैं आपको ये भी इनका भी एक एक क्वेश्चन आपको हल करके बताता हूँ, समझाता हूँ। देखिए ज़रा, इसका मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 ली है, पहला पार्ट लिया है, यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, -1/8 माइनस, ब्रैकेट में फिर माइनस लगा हुआ है, 5/8, तो सब 1/8 वैसे लिखा, ये माइनस और ये वाला माइनस, दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गए, माइनस माइनस प्लस, 5/8, तो ये 5/8 हो गया। अब नीचे वाले रकम को हम जैसे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लिया, नीचे वाले रकम पे डिवाइड किया, 8 वन आंसर है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 वन द 1। अब इसी तरह 8 को 8 पे डिवाइड किया, 1 आया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 वन द 5। अब इनको प्लस कर दिया, यहाँ भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, 1+5 = 6, 6/8 तो कटिंग होती है, 3 2 द 6, 4 2 द 8, 3/4 इसका हल आ गया। तो इस तरह इस सारे क्वेश्चन को आपने हल करना है, यानी सबसे पहले आपने इन ब्रैकेटों को ख़त्म करना है, अगर कोई ब्रैकेट वाली है तो उसको ब्रैकेट ख़त्म करनी है, ब्रैकेट के अंदर कोई साइन आ रहा है तो उसको बाहर वाले साइन से मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह मल्टीप्लाई करने के बाद जब साइन आपके ख़त्म हो जाएंगे, ब्रैकेट आपकी ओपन हो जाएगी, तो सिंपल इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। जब इस तरह के क्वेश्चन बन जाएँ, इस तरह के शेप्स बन जाएँ, इसको आप इजीली हल कर सकते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 और मैं आपको समझाता हूँ, पार्ट नंबर 9 देखिएगा इसका, जैसे -1/2 प्लस -1/5 प्लस 9/10, तो सबसे पहले हमने इनकी ब्रैकेट ख़त्म की, ब्रैकेट ख़त्म करने के लिए हमने बाहर वाले, यहाँ पे साइन कोई नहीं है तो साइन प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, इस तरह इसके साथ भी साइन कोई नहीं है, प्लस माइनस माइनस,
ये प्लस वैसे ही आ जाएगा। तो इस तरह अब ब्रैकेट ख़त्म होगी, जो डबल साइन था वो भी सिंगल कन्वर्ट हो गया। अब दोनों रुख में माइनस किए, ये प्लस किए, तो हमने इसको कन्वर्ट किया, एलसीएम लिया 10। अब 10 को 52 पे डिवाइड किया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 माइनस का 5, फिर इसको इस पर डिवाइड किया, 10 को 5 से 2 आ गया, यानी 5 टू द 10, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 वन द 2, ये भी साइन माइनस का वैसे ही आ गया। इसको इस पर डिवाइड किया, 10 वन द 10, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 वन द 9। इस तरह अब ये आपके सामने शेप बन गई है। तो ये भी रकम माइनस किया, ये भी माइनस किया, दोनों को प्लस कर दिया, 5 और 2 7, अलामत माइनस किया है क्योंकि दोनों रकमें माइनस की हैं। तो प्लस के 9 में से माइनस का 7 गया, बाकी प्लस का 2 ओवर 10 बच गया। अब इसकी कटिंग हो सकती है, 2 वन द 2 2 5 द 10। तो इसका ये सोल्यूशन आ गया, सिंपल से क्वेश्चन है। इस तरह ही आपने इन दोनों सवालों को हल करना है। इसके साथ एक और एग्जाम्पल आपके सामने लिखी हुई नज़र आ रही है, ये भी वैसे ही हल हुई, ये देखें ज़रा, ये इसके साथ ब्रैकेट कोई नहीं है, तो ये सिंपल वैसे ही हमने हल कर दिया। यानी 8, 9 और 18 का एलसीएम लिया, वो 72 आएगा, 72 के इस पर डिवाइड किया, 9 को 9 से 1 से मल्टीप्लाई किया, 9। इस तरह फिर 72 को 9 से डिवाइड किया, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8। फिर 72 को 18 से डिवाइड किया, आंसर क्या आया हमारे पास, 4 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 15 फोर द 60। अब ये दोनों प्लस के हैं और ये 60 माइनस का है, तो 17 को 60 में से माइनस कर दिया, तो माइनस का बाकी बचेगा 43। इस तरह -43/72 आपका सॉल्यूशन हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे, जैसे कि प्रश्न नंबर की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जब लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसकी एग्जाम्पल नंबर 1, 8/9 मल्टीप्लाई 3/4, आगे है 50/51 मल्टीप्लाई 7/10। इसके बाद ये क्वेश्चन लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, सिंपल। तो हम सबसे पहले जो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट या टफ पार्ट है वो मैं आपको समझाता हूँ, बाकी सेम मेथड से आपने हल करने हैं। जैसे कि इसको पार्ट नंबर 4 देखें आप लोग, 5/7 डिवाइडेड बाई 35/40। इसको हमने कैसे हल करना है, हम सबसे पहले इसको देखिएगा ज़रा, 5/7 डिवाइडेड बाई 35/40, तो डिवाइडेड की अलामत को हमने मल्टीप्लाई में बदल लेना है, जिस तरह बाकी सारे मल्टीप्लाई में जब रकम आ जाए तो अपने ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ कटिंग करना है, या नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ कटिंग कर देना है, वो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। कटिंग नहीं होती तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन यहाँ पे कटिंग होती है, 5 वन द 5 5 7 द 35। तो 1 को 40 से मल्टीप्लाई किया, 40 7 7 द 49। इस तरह ये एग्जाम्पल हल होगी। सर इसकी दूसरी एग्जाम्पल मैं पार्ट नंबर 12 हल करके दिखाता हूँ, और इसके साथ मैं आपको पार्ट नंबर 5 भी हल करके दिखाता हूँ। देखिएगा ज़रा, यहाँ पे -15/28 मल्टीप्लाई 14/30, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5। अब इसका ये ब्रैकेट है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, प्लस का, प्लस माइनस माइनस, बगैर रकम वैसे आ गई जैसे आपके सामने पहले हल की थी। कटिंग होती है तो कर देनी, नहीं होती तो नहीं करनी। यहाँ पे होती है 14 7 2 द 14 14 2 द 28, फिर 7 1 द 7 7 2 द 14, फिir ye 15 hai, 3 5 the 15, 6 3 6 5 the 30, fir 3 1 the 3 3 2 the 6, isko isse multiply kiya, 1 1 the 1 2 2 the 4, ye minus ka sign hai aur ye plus ka, plus minus 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 1/4, iska aapka hal aa jayega। part number 9 dekhiye, iska 8/125 divided by 16/75, bilkul simple method se bhi abhi hal hona hai, ye dekhiyega zara, डिवाइडेड बाई को मल्टीप्लाई में तब्दील किया, अगले रकम उल्ट कर देते हैं, इन्वर्स ले लेते हैं, उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लेते हैं, तो 16 नीचे 75 ऊपर चला गया। तो इस तरह हम इसकी कटिंग की, 5 पे 5 1 द 5 2 कैरी 5 5 द 25। इस तरह 15 अब इसकी कटिंग की, 2 2 5 द 10 2 कैरी 25 5 5 द 25। इसके बाद फिर 5 पे कटिंग की, 5 3 द 15, फिर इसके बाद इसकी कटिंग की, 5 5 द 25, फिर इसके साथ 8 1 द 8 8 2 द 16। अब इसकी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 बच गया, इधर 3/2 बच गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3/10 इसका हल आ गया। लास्ट एग्जांपल है इसकी, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए ये 3 रकमें हैं लेकिन ब्रैकेट भी है इसके साथ। तो हम सबसे पहले ये डिवाइडेड है तो हम इस रकम को उल्ट कर देंगे, लेकिन उल्ट करने से पहले हम इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने आपके सामने ब्रैकेट ओपन की, ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है,
ब्रैकेट ख़त्म की तो ब्रैकेट के बाद ये वैसे मल्टीप्लाई तो है, लेकिन उस मल्टीप्लाई के बाद इसका साइन है प्लस का, प्लस माइनस, माइनस वैसे ही आ गया। तो जब मल्टीप्लाई आगे लगा के बाकी रकमें वैसे नहीं की कि माइनस वन ओवर टू मल्टीप्लाई थ्री ओवर फाइव मल्टीप्लाई ये माइनस आ गया, रकम उल्ट कर देंगे, 51 नीचे 40 ऊपर चला जाएगा। अब इसको हम कटिंग कर देंगे, टू वन द टू, सॉरी पहले हम इसकी साथ कटिंग करते हैं, थ्री वन द थ्री, थ्री वन द थ्री टू कैरी, सेवन थ्री द 21, फिर इसके साथ फाइव वन द फाइव, फाइव एट द 40, फिर टू वन द टू, फोर टू द 8। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वन वन द वन, वन फोर द 4, इस तरह सेवन वन द 17, वन द 17, इस तरह प्लस 14 ओवर 17 इसका आंसर आ गया। इस तरह ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज आपकी हल होगी। एक्सरसाइज के साथ आज हम पढ़ेंगे एक और टॉपिक साथ, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को जमा खसूसियात, रैशनल नंबर की कौन सी खसूसियात होती हैं कि उनको दोनों तरफ प्लस करें रकमें चेंज करके, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का हम मुताला करेंगे, वो सिंपल से क्वेश्चन एग्जाम्पल की आपको समझा देता हूँ, जैसे आप पहले पीछे भी आप हल कर चुके हैं, सेम जैसे पिछली एक्सरसाइज हमने अभी हल की है, इस वाल होने वैसे ही हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो पीछे अलग अलग क्वेश्चन थे, यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बना दी गई हैं, तो सेम वही ज़रा समझने की ज़रूरत है, बाकी क्वेश्चन वैसे ही हल होने हैं, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2, सिंपल। इधर वाले इधर हल कर दिया, ये देखिए ज़रा हल किया हुआ है, 7/14 बिल्कुल वैसे ही हल किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद नीचे डिवाइड किया, डिवाइड के बाद ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो आंसर वैसे ही आ गया 6। यहाँ पे डिवाइड करें, 6 2 2 3 6, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 को फिर 6 पे, 6 को 3 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया, 2 2 4, 3 और 4 7, 7/6। अब इसको जगह चेंज कर दी, दूसरी जगह चेंज कर दी, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में पहले 1/2 प्लस 2/3 था, राइट हैंड साइड में 2/3 प्लस 1/2 है, तो फिर इनका वैसे ही एलसीएम लिया जैसे पीछे लिया था, 6 आ गया, 6 को 3 पे डिवाइड किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 6 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर 3 आया, 3 1 3 प्लस किया 7/6। इसे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, सिंपल। अगर मल्टीप्लाई की भी वैसे ही है, देखिए ज़रा सेम, 2/-2/5 मल्टीप्लाई 1/4, दूसरी जाने पे 1/4 मल्टीप्लाई -2/5, तो सिंपल। पहले मैंने ब्रैकेट ख़त्म की, ब्रैकेट में ख़त्म नहीं की, लेकिन आप कर सकते हैं, ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो माइनस ही आना है वैसे। अब इसकी कटिंग कर दें, 2 1/2 2 4 2 2 2 4, तो ऊपर 1 बच गया, 1 1/2 2 1/2, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पहले मल्टीप्लाई किया हुआ, 2 1/2 2 2 1 1/1, यहाँ पर 2 रह गया, 2 5 10, लेकिन उन्होंने पहले मल्टीप्लाई किया, 2 1/2 5 4 20, फिर इसके बाद कटिंग, 2 1/2 10 2 20, बिल्कुल ऐसे ही है, 1/4 मल्टीप्लाई 2/5, माइनस क्या है 2/5। अब इन्होंने पहले मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसकी कटिंग कर दी, तो दोनों का आंसर सेम है। सो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखिए ज़रा, 3 रकमों की को हल किया गया, पहले ब्रैकेट के अंदर लगा के 2 रकमें हल करनी, फिर इसके बाद तीसरी, इस तरह इधर दूसरी राइट लेफ्ट राइट हैंड साइड की जानब जाएंगे तो पहले रकम सेम छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे, आखिरी 2 रकमों के साथ ब्रैकेट लगाएंगे, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में हमने पहली 2 रकमों को ब्रैकेट के अंदर हल किया था, और दूसरी जानब राइट हैंड साइड में हमने आखिरी 2 रकमों को ब्रैकेट के अंदर रख के हल करना है। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, तो ये भी 2 रकमें करके आपने हल करना है, कोई मुश्किल नहीं है। जहाँ पर जैसे ये देखिए, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पहले हल करते हैं, ये देखिएगा ज़रा, 1/4 प्लस 1/2, इसको हल किया, 8 4 आंसर आया, 4 एलसीएम आया इनका, तो लेकिन उन्होंने इन दोनों को पहले ये रखा है यहाँ पे, या आप ऐसे समझ लें कि उन्होंने इसका एलसीएम लिया, दोनों को हल किया तो 3/4 आया, फिर उसके बाद 1/5 साथ रखा, 3 का एलसीएम लिया 20 आ गया, 20 को उन्होंने 4 पे डिवाइड किया, 5 5 3 15, फिर 20 को 5 पे डिवाइड किया, 4 4 1 4, अब इसको प्लस करेंगे तो 19/20 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में देखिएगा, हम पहले ये ब्रैकेट हल करेंगे, ब्रैकेट में क्या किया, 5 10 आ गया, 10 इसका एलसीएम लिया, 10 को 2 पे डिवाइड किया, 5 5 1 5, उसके बाद 5 10 को 5 पे डिवाइड किया, 2 2 1 2, 5 और 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, जब हमने डिवाइड करने पर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 5 आता था, यहाँ पे 2 आता था,
इसको मल्टीप्लाई प्लस कर दी तो 7 7 बाई 10। फिर अभी इनके इकट्ठा एलसीएम लिया 10 और 4 का तो 20 आया। 20 को 4 पे डिवाइड किया 5 5 वन द 5। फिर इसको इस पर डिवाइड किया 2 2 7 द 14, प्लस कर दिया तो 19 बाई 20। इस तरह ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन। इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर विद मल्टीप्लीकेशन। सिंपल वही सवाल है, तीन रकमें एक जाने में तीन रकमें की कटिंग कर दी हमने, ठीक है। ये आपके सामने एग्जांपल की हल किया हुआ, ये देखें जरा पहले इसको हल किया, ठीक है। फिर उसके बाद ये रकम साथ मिलाई 1/4 आंसर आ गया। इसके साथ भी ये रकम इसकी पहले आखिर दो रकमों को ब्रैकेट के अंदर रखा, ये रकम साथ मिलाई 2 बाई -2/3, इसको हल किया 3/8 आ गया। तो इसके साथ इसके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। सर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सिंपल सिर्फ इसमें समझने की वाली बात यह है कि एक जानब रकम में 3 होंगी तो दूसरी जानब रकम में आपको 4 नज़र आएंगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1/4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 9/10 प्लस 1/2 है। तो इस तरह इसी को एक दफ़ा इससे ज़रब दिया गया, एक दफ़ा इससे ज़रब दिया गया, यानी बाहर रकम को अंदर रकम के साथ दोनों से एक अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर दिया गया है। देखिए जरा 1/5 मल्टीप्लाई 9/5, फिर 1/5 मल्टीप्लाई 1/2, दरमियान में प्लस है यहाँ पे प्लस लगा देनी, यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे आपने माइनस लगा देना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी और ये राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे। ब्रैकेट के अंदर कौन सी लामत है, कौन सी रकमें हैं, प्लस वाली है दोनों। तो इनके एलसीएम लिया 10 आ गया, 10 को इस पर डिवाइड किया, डिवाइड करने पर मल्टीप्लाई किया तो आंसर 9 प्लस 5 आया। 9 प्लस 5 को 4 से प्लस कर दिया तो 14/10 मल्टीप्लाई 1/5 वैसे ही आ रहा है साथ। देखिए ज़रा अब इसकी कटिंग कर देनी होती है तो ठीक है, नहीं होती तो नहीं करनी होती है। 7 2 द 14, 5 5 द 25, यानी यहाँ पे हम ऐसे कटिंग करेंगे 7 2 द 14, 5 2 द 10, सॉरी 7 5 2 द 10। अब इसको मल्टीप्लाई 5 5 द 25, 7 1 द 7। इस तरह एक लेफ्ट हैंड साइड हाल होगी। अब हम राइट हैंड साइड हाल करते हैं, देखिएगा ज़रा। ये भी मल्टीप्लाई वाली है, ये भी मल्टीप्लाई वाली, तो हम कटिंग कर देंगे। होती है तो ठीक, नहीं होती तो नहीं करनी, कटिंग नहीं होती। 9 1 द 9, 5 10 द 50, इसकी भी कटिंग नहीं होती। 1 1 द 1, 5 2 द 10। अब दोनों का एलसीएम लिया 50 आया, 50 को 50 से डिवाइड किया 1 1 9 द 1 9। इस तरह 50 को 10 पे डिवाइड किया 5 आया, 5 1 द 5 मल्टीप्लाई किया 14/50, कटिंग वैसी हो रही है 7 2 द 14, 25 2 द 50, 7/25। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। माइनस वाले वैसे यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे माइनस आपने लगा देना है, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस, दरमियान भी मल्टीप्लाई वैसे ही करना है, दरमियान यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये वैसे सिंपल सवाल वैसे ही हल करना है आपने, और कोई डिफरेंट इसमें नहीं है। इस तरह ये इसके बाद आपने अरेंज करना है, इनको तरतीब देना है रैशनल नंबर को। तरतीब देने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है जो भी रकमें हैं जिनका बटा सेम है तो वैसे फिर आपने वैसे ही हल कर देना है। अगर बटा सेम नहीं है और डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले आपने इस तरह देखिए, जैसे ही आपके सामने लिखा 1/2 2/3 7/4, सेम इनका पहले इनके एलसीएम लिया 24 आया, 24 को डिवाइड वैसे किया तो इनको वैसे हमने रकमों में हल कर दिया। अब इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया, यानी एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर सेम कर दिया, फिर हमने इनको अलग अलग करके डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके आंसर लिखे इनके। फिर अब जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो छोटी रकम, जो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा है वो रकम बड़ी हो जाएगी। जैसे 1/2 का 1/2 बनती है 12/24, 2/3 की रकम बनती है 16/24, 7/8 की रकम बनती है 21/24। अब इस तरह 12 बड़ा है, 16 बड़ा है, या 21 बड़ा है, तो ज़ाहिर है हम 21 बड़ा, 21 की रकम कौन सी 7/8। तो इस तरह 16 की रकम, उसके बाद छोटा 16 है, 16 की रकम 2/3 है, 2/3 उसके बाद, इसके बाद 12/24 है तो इसकी रकम कौन सी 1/2। अब इनकी इस तरह तरतीब दे देना है, बस इस तरह हमने इसको अरेंज कर देना है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर लिखी जाएगी, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में करना तो पहले ये, उसके बाद ये, और इसके बाद ये, इसको उल्ट कर देना। ये डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले बड़ी रकम, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ी फिर छोटी फिर उससे छोटी, अब के असेंडिंग में सबसे पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर लास्ट में सबसे बड़ी रकम लिख देते हैं। इस तरह ये अरेंज करना होता है रैशनल नंबर को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.3 एक्सरसाइज हल करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन इससे पहले अपने हमारे स्कूल के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें।